यदि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का अध्याय 1 भारतीय संविधान के भाग 1 जो पढ़ाए थे उसमें बताए थे संविधान क्या है ना, आपको जो भारतीय संविधान है उसमें क्या क्या अधिकार मिला है ना, उसके बारे में बताया गया कि आपका क्या अधिकार मिला। उसमें हम लोग एक एक्टिविटी भी किए थे, क्रियाकलाप भी किए थे कि जो हम लोग का शिक्षा का अधिकार मिला है, एक उदाहरण से दर्शाया गया था कि एक विद्यालय को चलाने में है ना कौन कौन से नियम कानून का पालन होता है, सरकार ने शिक्षा के लिए कौन से नियम बनाए, उसी ढंग से छोटे छोटे नियमों को मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है, ये संविधान हो गया। कई नियम मिल जाता है तो क्या हो जाता है, संविधान। स्कूल का नियम बताया तो उसी ढंग से पुलिस प्रशासन को चलाने के लिए, स्वास्थ्य विभाग को चलाने, अन्य विभाग सभी को लिए नियम, उस सब नियम को जब मिला दिया गया था एक संविधान। तो संविधान के बारे में तो हम समझ गए थे, लेकिन आज जो हमको समझना है कि भाग 2 में हमको समझना है कि भारतीय जो संविधान उसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या, उसका इतिहास क्या, ये हमारा संविधान कैसे बना। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो देश अंग्रेजों के गुलाम है ना, और अंग्रेजों का यहाँ सत्ता था, काफी संघर्ष काफी लड़ाई के बाद जो है आपकी देश की आजादी मिली और आपका एक अपना संविधान है ना। तब हम लोग ना 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है ना। अब इसी को समझना है कि ये जो संविधान आपको मिला अपना एक भारत का संविधान कैसे, जब अंग्रेजों का राज यहाँ भारतीयों पर बहुत अत्याचार और क्रूर व्यवहार भारतीयों के साथ किया जाता, इतना ही नहीं बहुत से जो ऐसे अधिकार था जो इंग्लैंड के लोगों को जो अधिकार मिलता था वो भारतीयों का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था है ना, आपको खुलकर स्वतंत्र रूप से कहीं बोलने का अधिकार नहीं था, भाषण देने का अधिकार नहीं था है ना, आपको धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी नहीं थी। आप देखिए इस किताब में जो फोटो है, आप देखिए दो उदाहरण से समझिए कि क्या अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता था। अब देखिए जालियांवाला बाग कानपुर है ना, और नील की खेती के लिए अंग्रेजों ने जब अपने अधिकार के लिए आया था तो जालियांवाले बाग में अंग्रेजों ने गोली चलाई तो बहुत से लोग मारे, काफी संख्या में लाखों का ढेर लग गया, ऐसा क्रूर व्यवहार ऐसी होता खून की नदियां बहा दिया। उतना ही नहीं, जो किसान था भारतीय किसान को जबरन कहता था कि नील की खेती करो, अगर नहीं करता था तो उसे मानसिक शारीरिक रूप से क्या करता था अंग्रेज, दंड। लेकिन धीरे धीरे इसका लड़ाई शुरू हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू है ना, आपको सन 1857 से ही शुरू, मंगल पांडे के नेतृत्व में आपका 1857 की लड़ाई में आपको बिहार के भी थे बाबू वीर कुंवर, जो हम लोग को कौन क्लास में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है 7वां क्लास में, तेगवा बहादुर आहो बाबू बांगला में उड़े लाया भी, तो उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की लड़ाई में अपनी तेगा चमकाए और अंग्रेजों चुका ऐसी नहीं, काफी लड़ाई के बाद आपको आजादी मिली और अपने भारत का संविधान उसका इतिहास है। आपको सन 1885 में इसको कॉपी पर लिखते जाइए, सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन हुआ, सन 1885 में भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय
जो अधिकार नहीं हमको है मताधिकार का, वो अधिकार मिलना चाहिए, अल्पसंख्यकों को अधिकार मिलनी चाहिए। और जो नेशनल असेंबली है जहां पे कानून बनता है, उस असेंबली में, नेशनल असेंबली में भारत के जो बात है, भारत के लोगों को जो मांग है, अधिकार है, उसमें रखा जाए। और उस असेंबली में भारतीय को भी शामिल किया। जब असेंबली में शामिल होगा भारतीय, कब भारतीय के बारे में सोचेगा, तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपको शुरू कर दिया। कब से? 1885 से ही ऐसी गठन हुआ। उसको बाद 1920 में लिख लीजिए इसको, 1920 में भारत ने एक अपना संविधान हो, इसके लिए भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहल शुरू कर दी। कब? 1920 और 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने आपको एक जो है पूरी 8 सदस्यीय कमिटी गठन करके एक पूरी तरह से प्रारूप तैयार किया गया कि भारत का एक संविधान सभा होनी चाहिए, है ना? कब हुआ? 1928 प्रारूप बना दिया, है ना? और आपको 1931 में लिख लीजिए, 1931 में उस प्रारूप को, उस प्रारूप को कराची में जब एक अधिवेशन था उसमें पेश कर दिया गया कि ये जो हुआ इस ढंग से एक संविधान बनना चाहिए। उस प्रारूप बनाकर 1928 में प्रारूप बनाया गया, 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ना? 1931 ईस्वी में कराची में उसको पेश किया गया, है ना? अब जो कराची है अभी कहाँ? वर्तमान में पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जिस समय आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी आपके साथ पाकिस्तान भी था, है ना? बांग्लादेश, है ना? लेकिन बाद में बटा, है ना? तो उस समय कराची भी किसके साथ था? भारत के साथ। तब ने कांग्रेस का अधिवेशन जो कराची में हो रहा था उसमें आपको अधिवेशन में क्या किया? उसको पेश, है ना? उसके बाद लड़ाई चलती रही, है ना? अपने अधिकार के लिए भारतीयों द्वारा लड़ाई जारी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावे अन्य संगठन के लोग भी इस लड़ाई में उदय हुए थे। विभिन्न तरह के संगठन इसमें काम कर रहे थे भारत की आजादी में। उसके बाद 1934 में लिख लीजिए, 1934 ईस्वी में एक स्वतंत्र संविधान बनाने की मांग पूरी जोर पकड़ 1934 में, क्या कुछ भी हो भारत का एक संविधान अपना होना चाहिए। और जोर इतना जोर पकड़ लिया, और उसी समय जो था द्वितीय विश्व युद्ध भी के अंत जाके इस सारी संघर्षों के बाद, आवाज उठाने के बाद, कई लोगों की बलिदान के बाद अंग्रेजों ने झुकने का क्या क्या झुका। और आपको दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कब हो गया? गठन आपको दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का गठन हुआ, है ना? और आपको उसका अंतरिम अध्यक्ष, उसका अंतरिम अध्यक्ष आपको बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ना। और सबसे बताइए कि एक जो संविधान बनाने के लिए जो गठन हुआ, है ना, जिसका प्रारूप का अध्यक्ष, है ना, अंतरिम अध्यक्ष, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों जो महान विभूति थे वो बिहार के थे। बिहार के उसके बाद
बाद आपको जो है अब हुआ कि संविधान लिखाना चाहिए, है ना। तो आपको संविधान लिखने का काम शुरू हुआ। तो उस संविधान जब लिखने का काम शुरू हुआ तो उसमें कुल जो है 299 लोगों को कमिटी में रखा गया। कमिटी में कितना लोगों को रखा गया था? 299 लोगों को रखा गया था, है ना। उस प्रारूप कमिटी का जानते हैं जो संविधान लिखने का था, उनका अध्यक्ष उनको बनाया गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको संविधान का जनक भी कहा जाता है, संविधान के पिता भी कहा जाता है ना। किनको? बाबा साहब अंबेडकर। 9 जनवरी 1946 से आपका भारतीय संविधान को लिखने के काम शुरू हो गया। और जैसा कि आपको मालूम है इस अपने भारतीय संविधान को लिखने में लगभग 3 वर्ष लग गया। कितना लग गया था? 3 वर्ष। मतलब 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, लिख लगभग 3 साल हो जाता है। और ये जो लिखने का काम पूरा हो गया था आपको 26 नवंबर 1949 ईस्वी का आपका संविधान पूरी तरह से बनके तैयार। लेकिन आपको लागू कब हुआ था संविधान? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वही हम लोग मनाते हैं हर साल, क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को हम लोग हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना। अपना तब अपना गण, है ना, ठीक है, समझिए। अब देखिए कि ये तो है भारतीय संविधान को बनाने कितना संघर्ष। अब देखना है उसमें कौन कौन से जो है अधिकार दी गए। जब संविधान बनाई जा रही थी तो उसमें जो कमिटी बना था उसमें हुआ था कि सभी जाति सभी धर्म के लोगों को संविधान में जो है समानता का अधिकार मिलनी चाहिए। इसलिए भारत क्या है? विविधता में एकता का देश है। क्या है? विविधता में एकता का देश है। जिसमें संविधान बना और जिस लोकतंत्र पर हम लोग आज चल रहे हैं कि हमारा क्या है लोकतंत्र, अब उसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। इसको बेटा मैं के जो बुनियादी मूल्य उसको हम बेहतर ढंग से समझने के लिए अब 2 छात्राएं जो आप संविधान की प्रस्तावना है अब जो है भारतीय संविधान को हम समझेंगे कि क्या जो भारतीय संविधान में जो बातें लिखी गई है समानता स्वतंत्रता का अधिकार ये सही मायने में हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो जो संविधान की प्रस्तावना का जो हम लोग डेली करते हैं अपने चेतना सत्र में उसको आज जो हम लोग करेंगे और उस पर हम एक चर्चा करें। इस पर बातें जो भारतीय संविधान का क्या है प्रस्तावना आत्मा कुंजी है। तो हम चाहेंगे कि पल्लवी और निखिल कुमारी तो भारत की संविधान की प्रस्ताव Oh, boy.
आप लोगों द्वारा संविधान का उद्देश्यता का प्रस्तावना की गई आप लोग द्वारा, अब देखना है आप लोग बैठे इस चित्र को देख, एक महिला अरवल बिहार खेत मजदूर यूनियन की एक सभा में एक महिला संबोधित कर रही सभा को, कुछ बच्चिया है लोग अपने किताब लेकर स्कूल जा रहे, अब देखना है कि उद्देशिका में जो बातें आ रही है ना, समानता की बात आ रही है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात आ रही है, तो क्या सही मायने में जो हमारा संविधान है उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे है ना। तो क्या आपको विद्यालय में पढ़ते तो क्या विद्यालय में समानता दिखता है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि भेदभाव किया जाता है बैठने में चाहे खाना खाने, है ना? तो क्या है इस संविधान में, क्या है सबका जो है समानता का अधिकार दी गई है, वो गरीब हो चाहे अमीर।